प्रेमचंद मिश्रा जी, इस पर क्या जवाब देंगे, इस पर क्या जवाब देंगे कि आप आरजेडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? आरजेडी शायद ज्यादा सीट ले आए, आप उतनी सीटें नहीं लाएंगे, आपको जो 70 सीटें दी हैं वो उनके लिए भारी पड़ेगा। बल्कि आप अपना अपने ख्याल रखिए अपने पास, मैं वापस इसी सवाल का जवाब लेने आपके पास आऊंगी। रुपेश हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ यहाँ जनता मौजूद है जो बहुत उत्साहित है और अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जो आप कह रहे थे, जो गौरव भाटिया कह रहे थे उस पर। रुपेश, अगर हम जनता के बीच जा पाए और उनसे जाने कि वो उनका क्या कह रहे हैं। या बिल्कुल, देखिए बहुत लोग बेताब हैं, आराम से अगर आप अपने सीट पे बैठेंगे और एक एक करके बात करेंगे तब बात कर पाएंगे। मास्क लगाइए। देखिए, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सत्ता पक्ष भी हैं और चिराग पासवान जी के भी हैं, पूछना चाहेंगे कि बीपीएससी घोटाला हुआ बिहार में पिछले 5 साल में, बताना। सुन लीजिए, सुनिए, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए सुनिए। पिछले 5 साल का बता रहे हैं, बीपीएससी घोटाला, बिहार इंटरमीडिएट घोटाला, बिहार बोर्ड घोटाला, एसएससी घोटाला, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुई, यही जदयू का मंत्री उसमें उस शामिल थे। सुन लीजिए, पटना में बाढ़ आया तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। रुपेश, एक जवाब ले लेते हैं। तेजस्वी यादव 53 घोटाले की बात करते, सुन लो, उठोगे नहीं, रुपेश रुपेश सीधा जवाब ले लेते हैं, बैठो, मास्क लगाइए तो रुपेश सीधा जवाब भी ले लेते हैं। रुपेश सीधा जवाब लेते हैं, एक सवाल एक जवाब और फिर वापस जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए और सीधा और संक्षेप में जवाब दीजिएगा। नीतीश कुमार घोटाले हुए, किसी भी तरह का यदि घोटाला हुआ तो नीतीश कुमार द्वारा जो लोक शिकायत निवारण अधिनियम बना है उसमें ये अधिकार दिया गया है कि यदि आप मांगते हैं तो 60 दिन के अंदर में उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और पूरी कार्रवाई हो जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।